काफ़ी दिनों से हम तैयारी कर रहे थे और ये सोच के तैयारी कर रहे थे क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है या पीसी है, सब जो है मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ एक यूथ का कन्वेंशन करेंगे। पहले तो हमने कई बार कोशिश की कि हमें बाहर कहीं स्पेस मिले, इनको लेटर भी लिखा DC साहब को यूथ कन्वेंशन के लिए इससे बहुत पहले, पर उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला। उसको कोविड ज़्यादा था भी नहीं। तो उसके बाद जब हमने देखा सब पार्टीज़ कर रही हैं, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यूथ का कन्वेंशन किया, अपनी पार्टी ने भी जड़ी बल में भी किया, घर में भी किया, तो हमने भी एक फंक्शन रखा यूथ का यहाँ। और जिसके लिए तकरीबन मैं उनकी भी, जो अपने हमारे जो नौजवान हैं जो हज़ारों की तादाद में आज श्रीनगर आए थे, जिनको न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी पिटाई भी की गई, दे वर रफ्ड अप, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए कहीं पर, उनके मोबाइल छीने गए, कईयों को उनको थाने के अंदर बंद भी किया, जैसे आरिफ लाइगुरु अभी भी बंद है। तो इस तरह से हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या वजह है। आज भी अनंतनाग में उमर साहब का जलसा है, कल उनका बारामुल्ला में था, उसके अलावा अपनी पार्टी का परसों कोई ज्वाइनिंग थी उनके घर में, जड़ी बल में जलसा था, इसी तरह PC का जलसा, इसी तरह कांग्रेस के कई जलसे हो गए जिसमें आज़ाद साहब, मीर साहब, और उससे सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इस वक्त UP में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं, उस UP में जहां गंगा में लाशें बही हज़ारों की तादाद में। तो यहां हमें समझ नहीं है कि यकायक क्या हो गया कि रात को इन्होंने कोई चिट्ठी भेजी थी, जो हमने मॉर्निंग में टेलीविज़न पर देखा, तो हमने कागज़ वागज देख लिए, तो उसमें कोई चिट्ठी थी कि भाई उसमें लिखा गया था कि क्योंकि ये हमारा अपना घर है, इसमें तो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। इन व्यू ऑफ द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर एंड COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस, इट्स हेयर बाय ऑर्डर दैट इज स्केड्यूल यूथ कॉन्फ्रेंस दैट इज टू बी हेल्ड बाई PDP एट गुपकार इज नॉट अलाउड। तो कोविड का PDP के लिए कोविड क्यों है? तो हमें लगता है कि जो इनका नैरेटिव है, जो BJP का नैरेटिव है, जो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, और हम उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं, हम बताते हैं लोगों को कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो नौजवान होता है। आज भी उन्होंने नौजवानों को टारगेट किया, क्योंकि एक यूथ मीटिंग थी, यूथ इंटरेक्शन था, जिसमें नौजवानों को जेल, नौजवानों को UAPA, नौजवानों के PSA, नौजवानों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, नौजवानों की नौकरियां जो है बाहर के लोगों को बांटी जा रही है, हर तरह से नौजवान को डिसएम्पावर किया जाता है। और मुझे ये खदशा है कि ये जानबूझ के जो PDP की एक जो हम डेमोक्रेटिक स्पेस में, एक जमहूरी स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि नौजवान उसमें आ जाए, क्योंकि ये चाहते हैं नौजवान जो है वो बेहाल और बददिल होके वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, जिसमें इनके लिए उसको मारना आसान हो जाता है, जैसे हमने हैदरपुरा में देखा। उससे पहले वो जो शाहिद लड़का था आर्मनी का, उसका देखा, और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो इस किस्म के केसेस हैं, शाहिद जो लड़का उस दिन मारा गया, आज तक उसके घर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। तो मैं आपके इससे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कश्मीरियों के DNA में सरेंडर नहीं है, और न ही मेरे DNA में है। अगर ये सोचते हैं इस तरह दबा के, धमका के, हमें तंग करके, सबोटाज करके, हमारे लोगों को पीट के, जेलों में डाल के, उनके कपड़े फाड़ के, उनकी बेइज्जती करके, उनकी गाड़ियां तोड़ के, ये हमें जो है हमारे हौसले कम कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने नौजवानों को सलाम करना चाहती हूँ, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में